दोस्तों आपको पता होगा फेसबुक मैसेंजर के अंदर एक नया अपडेट आया है जिसके अंदर हमें एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है ऐड टू योर डे। तो दोस्तों इसके अंदर हम अपने मनपसंद जो भी फोटो ऐड करना चाहते हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप किस प्रकार से योर डे का उपयोग कर सकते हैं, आप किस प्रकार से इसके अंदर एक से अधिक फोटो ऐड कर सकते हैं। ज्यादा जानने के लिए दोस्तों आप ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। और इससे पहले दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको हमारे वीडियो के नीचे इस प्रकार से एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, आप इस पे क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आप इसको फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपको हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो है उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता लेता हूँ आप किस प्रकार से मैसेंजर के अंदर माई डे का उपयोग कर सकते हैं, आप किस प्रकार से इसके अंदर एक से अधिक फोटो ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मैसेंजर को ओपन करना है और ओपन करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलता है जहां पे लिखा है ऐड टू योर डे, हमें इस पर क्लिक करना है। और इसके अंदर आके दोस्तों यदि आप कोई फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो राउंड सर्कल दिखाई दे रहा है आपको एक बार इस पर क्लिक करना है। और यदि आप अपना कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको इस पर प्रेस करके रखना है जिससे कि आप यहाँ से वीडियो भी बना सकते हैं। और यदि दोस्तों आप अपना कोई नॉर्मल स्टोरी ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो कलर का आइकन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ अलग अलग प्रकार के बैकग्राउंड मिल जाते हैं। यदि आप अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो कलर का आइकन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करते रहना है। आप देख सकते हैं जब मैंने इस पर क्लिक किया तो हमें यहाँ पे कुछ अलग अलग प्रकार के कलर मिल जाते हैं। आप जो भी बैकग्राउंड लेना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। फिर आप इसके अंदर कोई इफेक्ट वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो इमोजी का आइकन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आप जो भी इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक आना है और बैक आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। और यदि दोस्तों आप चाहते हैं इसके अंदर आपको कोई टाइप करना है तो आपको यहाँ पे जो एक आइकन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है जिससे कि आप इसके अंदर कोई लिख भी सकते हैं। और यदि आप इसके अंदर कोई ड्रैग करना चाहते हैं तो यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप माई डे के अंदर कोई फोटो ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको वहाँ से बैक आना है। और बैक आने के बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पे जो सर्कल दिखाई दे रहा है आप इस पर क्लिक करके आप अपना फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप अपने गैलरी के अंदर से कोई फोटो लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो गैलरी का आइकन दिया हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने गैलरी के अंदर से जो भी फोटो लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और उसको लेने के बाद यदि आप इसके अंदर कोई इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो इमोजी का आइकन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है। फिर आपको जो भी पसंद आए वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद यदि आप ये पसंद नहीं करते तो आप यहाँ से कुछ और भी ले सकते हैं। और यदि आपको ये पसंद आता है तो आपको यहाँ पे जो एरो का आइकन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं ये इफेक्ट इसके अंदर ऐड हो चुका है। यदि दोस्तों आप इसके अंदर कोई लिखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो एक आइकन दिया हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आप इसके अंदर जो भी लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। और यदि आप अपना बैकग्राउंड लेना चाहते हैं तो आपको ये वाला जो बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड भी आ चुका है। फिर हमें डन पे क्लिक करना है। अब आप इसको जहाँ भी मूव करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं। और यदि आप इसके अंदर कोई ड्रैग करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो ब्रश जैसा आइकन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आप जो भी कलर यहाँ से लेना चाहते हैं वो कलर ले सकते हैं। फिर आप यहाँ पे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने ये कलर लिया, फिर यहाँ पे ये बनाया। अब दोस्तों यदि आपको ये फोटो पसंद आता है तो आपको डन पे क्लिक करना है। और यदि आप इसको अब सेव करना चाहते हैं अपने मोबाइल के अंदर तो आपको यहाँ पे जो डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है जिससे कि आप इसको अपने मोबाइल के अंदर सेव कर सकते हैं। और यदि दोस्तों आप इस फोटो को अपने माई डे के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आपको नीचे जो एरो का आइकन दिया हुआ है आप उस पर क्लिक करना है जिससे कि आप अपने माई डे के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं। और यदि दोस्तों आप इसको कई दोस्तों के साथ सेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। नहीं तो आपको माई डे को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जो एरो का आइकन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है जिससे कि आपके माई डे के अंदर आपका फोटो ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मैं बता लेता हूँ मैंने इस पर क्लिक कर लिया है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे माई डे के अंदर मेरा फोटो ऐड हो चुका है। यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो आपको केवल इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं फिलहाल हमने इस फोटो को ऐड किया तो यहाँ पे हमें ये शो हो चुका है।
अब दोस्तों बात ये आती है कि आप इसके अंदर एक से अधिक फोटो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप इसके अंदर एक से अधिक फोटो ऐड करना चाहते हैं तो आपको वापस यहाँ पे जो एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है ऐड टू योर डे, आपको उस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको वापस यहाँ से जो भी फोटो लेना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और लेने के बाद दोस्तों आप इसको यदि एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे नीचे जो एरो दिखाई दे रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको माय डे को सिलेक्ट करना है और फिर आपको नीचे जो एरो दिखाई दे रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ से यदि और भी फोटो ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है ऐड टू योर डे, आप इस पर क्लिक करके जितने भी फोटो अपने डे के अंदर ऐड करना चाहते हैं उतने फोटो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। पर यदि दोस्तों आप इसको देखना चाहते हैं कि आपने कितने फोटो ऐड किए तो आपको यहाँ पे वापस माय डे के अंदर जाना है। और माय डे के अंदर जाके दोस्तों आप देख सकते हैं जो सबसे पहले मैंने फोटो ऐड किया था वो ये वाला है और इसके बाद जो दूसरा फोटो ऐड किया वो ये वाला है। अब दोस्तों बात ये आती है कि यदि आप अपना जो माय डे है कुछ लोगों को शो नहीं करना चाहता तो ये आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो प्रोफाइल का आइकन दिया हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है माय डे, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं फिलहाल मैंने इसको कस्टम किया हुआ है। यदि आप इसको हर किसी को शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एवरीवन कर सकते हैं, और यदि आप इसको कुछ लोगों को शो नहीं करना चाहते तो आपको कस्टम पे क्लिक करना है। और कस्टम पे क्लिक करने के बाद आप जिन लोगों को शो नहीं करना चाहते इसके लिए आपको उसके ऊपर से क्लिक को हटाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इन लोगों को, मुझे अपना माय डे शो नहीं करना है इसलिए मैंने यहाँ से इनके जो क्लिक है वो यहाँ से हटा लिए। अब यदि दोस्तों आप इसको अब सेव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से बैक आना है, बैक आने के बाद ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप मैसेंजर के अंदर माय डे का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप इसके अंदर एक से अधिक फोटो ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऐड टू योर डे का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करके जितने भी फोटो ऐड करना चाहते हैं उतने आप इसके अंदर फोटो ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।